आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एयरफोर्स डे की। हम एयरफोर्स डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आज एयरफोर्स डे है, आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। चलो मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आर्मी डे और नेवी डे कब मनाया जाता है। तो एयरफोर्स डे हम इसीलिए मनाते हैं जिस दिन एयरफोर्स स्टैब्लिश हुई। तो 8 अक्टूबर 1932 में एयरफोर्स को स्टैब्लिश किया गया। अब आप बोलेंगे सर हम आज़ाद तो थे नहीं तब। बिल्कुल नहीं आज़ाद थे। तो एज एन ऑक्सिलरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही हमारी एयरफोर्स आती थी। और ब्रिटिश एम्पायर की एयरफोर्स, ब्रिटिशर की एयरफोर्स का नाम क्या था? रॉयल एयरफोर्स। और भारत की एयरफोर्स भी उसी की ही ऑक्सिलरी थी, मतलब ब्रिटिश के ही अंदर आती थी। रॉयल एयरफोर्स उस समय बोला जाता था, लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तब हमारी एयरफोर्स आई। और जब जब एयरफोर्स ने वॉर में पार्ट लिया है, बैंड बजा दी है सबकी। तो दोस्तों हम भारत की एयरफोर्स, जो हमारी शान है, उसकी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स अपना 88th एयरफोर्स डे जो है वो आज यानी कि थर्सडे को सेलिब्रेट करेगा। आज है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर है तो 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स को बनाया गया था। मैंने आपको बताया उस समय ब्रिटिश एम्पायर के ही अंडर थी वर्ल्ड वॉर टू में। फिर उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तब भी एयरफोर्स जो है ना, कश्मीर का इशू था ना, तो इंडियन आर्मी को कश्मीर तक लेके गई थी। इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे युद्धों में, पाकिस्तान के साथ तो है ही, जब जब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हुई है, साथ ही साथ जो चाइना के साथ 1962 में प्रॉब्लम हुई तब भी एयरफोर्स ने कमाल का काम किया, शानदार काम किया है। सारे ऑपरेशन, जितने भी इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन चलाए वो सब मैंने कवर किए हैं। वर्ल्ड वॉर टू में भी नोटेबल ऑपरेशन के, जब जापानी आर्मी की बैंड बजा दी, फिर इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1947 का हुआ, फिर कांगो क्राइसिस हुई थी 1961 में, एनेक्सेशन ऑफ गोवा जो हमने पुर्तगालियों को, फिर मतलब क्या वो तो सुबह गए थे शाम को गोवा हमारा ही हो गया था, ऑपरेशन विजय हो गया। फिर 1962 का चाइना से वॉर हो गया, फिर 1965 के इंडिया पाकिस्तान से वॉर हो गया, फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो गया 1971 में, तो जबरदस्त। खैर 1971 में सबसे कमाल का काम सभी का था, लेकिन नेवी ने कमाल कर दिया था 1971 में। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ, 16 दिसंबर को नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने तहस नहस कर दिया था पाकिस्तानी आर्मी को। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर है, यह भी आपको पता ही है। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पू मलाई, ऑपरेशन पवन, ये सब मैंने कवर किए हैं। ऑपरेशन सीरीज आप देखिएगा, कम से कम मैंने 80 से 90 लेक्चर्स लिए हैं। कारगिल वॉर, फिर बालाकोट स्ट्राइक, बॉर्डर स्कर्मिशेस जो हुई हमारी, तो इंडियन एयरफोर्स हमेशा फ्रंट पे रहती है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, तो गर्व करिए। 750 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स हमारे पास हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अपाचे, चिनुक, ध्रुव, चेतक, चीता, रुद्र, Mi-26, शानदार। फाइटर प्लेन्स की बात करें तो Sukhoi-30, रफाइल, अभी रफाइल हमने खरीदा, मिराज, MiG-29, तेजस, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें। फिर ट्रांसपोर्टेशन, C-130J, ग्लोब मास्टर है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। भैया समझते ना, ये सब बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, ये अटैक नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ले जाते हैं इंडियन आर्मी को, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे सामान ले जाना है, आर्मी को ले जाना है, तो ग्लोब मास्टर हो गया, C-130J हो गया, C-17, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, समझ गए। तो हमारे पास, हमारी एयरफोर्स बहुत सक्षम है। अब इससे पहले हम देखें कि एयरफोर्स डे को कैसे मनाया जाता है, क्या क्या इसमें स्पेशल होता है, मैं आपको बता देता हूं कि मैं इंस्टा पे आ गया हूं, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं क्वेरीज को आंसर करूंगा, एक महीने से मैं क्वेरीज को आंसर नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बिजी था मैं। मंडे 12 अक्टूबर रात में 8 बजे से 10 बजे तक क्वेरीज को आंसर करूंगा। तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, एयरफोर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दे दी, इन ब्रीफ समरी बता दी इंडियन एयरफोर्स। देखिए हिस्ट्री बहुत लंबी है, हम इतिहास में तो नहीं जाएंगे, मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो आप वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हैं, आप देख लीजिएगा, ऐप पे भी अवेलेबल है तो उस पे भी देख लीजिएगा। 1932 में इसको बनाया गया था, और वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही बढ़िया इनका, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में इनका बहुत बढ़िया काम था। फिर जब भारत आजाद हो गया, रॉयल इंडियन फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स बन गई। 1950 में जब हमारा कानून आ गया तब इंडियन एयरफोर्स हो गई, और उसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अब एयरफोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट होता है एयरफोर्स डे। अब ऐसा है
अभी जो ट्रैफिक इश्यूज के कारण इसको हिंडन एयरफोर्स बेस जो कि गाजियाबाद में है, अभी जो एयरफोर्स डे है, परेड है, वो यहां पे ही हो रही है। एयरफोर्स डे देखिए पहले पालम में होती थी, लेकिन अब जो है वो गाजियाबाद के हिंडन बेस में ही हो रही है। तो गाजियाबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरफोर्स बेस है, भारत में बहुत सारे एयरफोर्स के बेसेस है ना, तो उसमें एक गाजियाबाद है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंडन एयरफोर्स बेस। तो अब यहां पे परेड, फ्लाई पास्ट, डिस्प्ले जो है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एयरफोर्स में होता क्या है। देखिए जो मेन इवेंट होता है, सबसे पहले तो परेड होती है। किसी भी जब भी हम जैसे आर्मी का डे, नेवी का डे, तो उसमें परेड तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी प्रैक्टिस बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। मेन एंड वुमेन दोनों ही एयर वॉरियर्स, अभी एक मूवी भी आई थी ना गुंजन सक्सेना, हालांकि उस मूवी से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ, मूवी बहुत कमाल की, शानदार मूवी है, लेकिन उस मूवी में ऐसा दिखाया गया कि एयरफोर्स जो है वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करती है। मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं कुछ अपनी फ्रेंड्स को जानता हूँ जो एयरफोर्स में काम करती हैं और शानदार एटमोसफियर रहता है वहां पे। तो अगर हम एयर वॉरियर्स की बात करें तो मेन एंड वुमेन दे बोथ आर इन्वॉल्व इन परेड। तो पहले तो परेड होती है और उसके बाद मेडल्स भी दिए जाते हैं। जी हाँ, एक मेडल सेरेमनी भी होती है और ये सब टेलीवाइज होता है। साथ ही साथ जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो स्पीच भी देते हैं। वो इतनी शानदार स्पीच देते हैं, सिर्फ एयरफोर्स को ही नहीं बल्कि पूरे देश को संबोधित करते हैं। पूरा देश सुनता है कि हमारी एयरफोर्स कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई है, और सबको मोटिवेट रखते हैं। तो इनकी एक स्पीच भी होती है, और जितने भी वेटरन्स हैं, हालांकि अभी तो कोविड-19 है तो अभी तो परेड को बहुत ही कम किया गया है, गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, वेटरन्स आते हैं तो अभी उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कोविड-19 के कारण, वरना आम तौर पे ये बहुत भव्य होता है एयरफोर्स डे जो होता है। मैंने बताया ना कि अभी नंबर ऑफ अटेंडीज जो है जो अटेंड करेंगे एयरफोर्स डे को वो कम होंगे, क्योंकि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है हमारे एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, ये थर्सडे को परेड का रिव्यू करेंगे। उसके बाद क्या होता है, सेलिब्रेशंस होते हैं, इसमें टॉप लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट भी आते हैं, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं हमारी सरकार के वो भी इस परेड को अटेंड करते हैं। फिर हमारे जो एयरफोर्स की शक्ति है, हमारे पास जो विमान है, हमारे पास जो फाइटर पायलट, फाइटर जेट्स हैं, उनको हम दिखाते हैं, और वो बहुत ही शानदार, अभी मैंने पिक्स लगाई है, वो शानदार होता है। तेजस, LCA, MiG-29, 21, Sukhoi-30, इन सबको उड़ाया जाता है। ये फ्लाई पास्ट शोज बहुत अच्छा लगता है जब ये साथ में उड़ते हैं। ऊपर से अभी तो रफाइल जेट्स आ गया, तो रफाइल जेट्स को भी उड़ाया जाएगा, यानी कि एयरफोर्स की पूरी ताकत दिखाई जाती है, और एक दुनिया को भी मैसेज होता है कि बेटा हमसे पंगा मत लेना, हम कुछ बोलते नहीं है, लेकिन देख लो इतनी ज्यादा ताकत है। ये इंडियन एयरफोर्स बहुत ही प्रोफेशनल, आप CDS का एग्जाम ही देख लीजिए ना, बहुत ही प्रोफेशनल, और फोर्थ लार्जेस्ट है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर, जैसे MI हेलीकॉप्टर्स तो वैसे मैंने आपको बता ही दिए थे, MI-17 हो गया, चिनुक हो गया, MI-35 हो गया, रुद्र हो गया, अपाचे हो गया, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, C-130, IL-76 गजराज, इन सबको भी दिखाया जाता है। तो इन सबके शोज होते हैं, ये कहते हैं इसको फ्लाई पास्ट। और कुछ एयरफोर्स के बारे में थोड़ा फैक्ट से जान लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो तो आपको पता ही, सुप्रीम कमांडर होता है हमारे ऑल इंडियन आर्म्ड फोर्स का। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होते हैं विद द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल इज द कमांडर, वो कमांडर होता है, सबसे बड़ी पोजीशन होती है ये, सबसे बड़ी पोस्ट होती है ये, सबसे ऊपर होते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। उसके बाद आपके अभी करेंट होल्डर जो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो मैंने भी आपको बताया, फिर वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हरजीत सिंह अरोड़ा है ये, फिर उसके बाद डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ आता है, फिर एयर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एयर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पर्सोनल, ये सब आते हैं। तो ये करंट स्ट्रक्चर है, ये हायर लेवल्स हैं। शुरुआत तो आपको पता ही है फ्लाइंग ऑफिसर से होती है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एयरफोर्स में आप कैसे जा सकते हैं, अगर आपको ऑफिसर पोस्ट चाहिए तो आप CDS का एग्जाम दीजिए, NDA का एग्जाम दीजिए, नहीं तो बहुत सारे ग्रुप सी के भी एग्जाम होते हैं, टेक्निकल एयरफोर्स मतलब टेक्निकल के भी एग्जाम होते हैं, वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, कमांड्स की बात करें, कमांड्स की बात कर लेते हैं। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ है हमारी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ईस्टर्न एयर कमांड कहां है हमारी, मेघालय शिलोंग में। सदर्न एयर कमांड साउथ में, तिरुवनंतपुरम केरल में। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कमांड्स, मतलब कितना देखिए भारत जो है वो कितना ताकतवर के साथ साथ कितना ज्यादा यूनाइट है,
अब देखिए, जगह जगह पूरे भारत में आपको एयर कमांड मिलेंगे, और जब भी आर्मी की बात आती है, देश की बात आती है, पूरा भारत एक हो जाता है। देख के बहुत 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 अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप एयरफोर्स में आ सकते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई परिवारवाद नहीं होता है, मेरिटोक्रेसी है यहां पे। अगर आप में टैलेंट है तो आप आइए। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर में है गुजरात, वेस्टर्न एयर कमांड है आपका न्यू दिल्ली में, ट्रेनिंग कमांड है आपका बैंगलोर में, मेंटेनेंस कमांड है आपका नागपुर में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। एयरफोर्स विंग्स सुना होगा आपने, विंग्स की बात करें तो ये फॉर्मेशन होता है कमांड और स्क्वाड्रन का। अच्छा, स्क्वाड्रन कमांड के बारे में पहले आपको बता देता हूं। जिसको स्क्वाड्रन क्या होता है, ये फील्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक लोकेशंस होते हैं ना उससे अटैच होते हैं। स्क्वाड्रन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्वाड्रन जो होता है दे एक्चुअली इज अ यूनिट और सब यूनिट ऑफ एन एयरफोर्स, जो कि मेन टास्क जो है वो एयरफोर्स का करते हैं। फ्लाइट्स जो होती है, स्क्वाड्रन्स के नीचे फ्लाइट्स आता है, तो ऊपर स्क्वाड्रन, नीचे फ्लाइट्स। फ्लाइट जो है वो स्क्वाड्रन के सब डिविजन है। और स्क्वाड्रन को कमांड कौन करता है, मतलब फ्लाइट को कमांड कौन करता है, स्क्वाड्रन लीडर। और सबसे नीचे आता है सेक्शन, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है सेक्शन को लीड करता है। तो सबसे, अब देख लीजिए आप, सबसे नीचे आता है सेक्शन, फिर आता है आपका फ्लाइट, फिर आता है आपका स्क्वाड्रन, और फिर आता है आपका स्टेशन, स्टेशन बेसेस होते हैं, और देन आता है आपका विंग्स। तो हर एक चीज के लिए, हर एक यहां पे जो फंक्शनल कमांड है उन सबका एक ऑफिसर होता है। विंग्स को विंग कमांडर देखता है, स्क्वाड्रन को स्क्वाड्रन लीडर, सेक्शंस को फ्लाइट लेफ्टिनेंट। समझ गए। गरुड़ कमांडो फोर्स भी है हमारी, इंडियन एयरफोर्स ने स्टैब्लिश की थी, उनकी खुद की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जिसको हम गरुड़ कमांडो फोर्स कहते हैं, जिसमें अभी 1500 मतलब 1500 के करीब पर्सनल हैं। इस समय इतनी ज्यादा ताकत है हमारी एयरफोर्स की, इसीलिए अच्छा लगता है बहुत। समझ गए। तो ये एयरफोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और एयरफोर्स डे भी है आज, तो भैया सेलिब्रेट करिए, परेड देखिए। ये देखिए कुछ पिक्स, बड़ा मजा आता है एयरफोर्स परेड, अगर आपने देखी होगी तो देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, देख रहे ना। उसके बाद ये सब इंडियन एक्सप्रेस का आया है, ये देख रहे हैं, ये परेड हो रही है ना, और ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, शानदार नजारा ये आप देख सकते हैं। और अंत में हम देखते हैं ये शायद ग्लोब मास्टर है, हाँ, C-130J, ग्लोब मास्टर नहीं, C-130J, यही होता है आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जब इवैक्यूएशन ऑपरेशंस होते हैं ना, कि जैसे भारतीय कहीं पे फंस गए हैं, है ना, अभी सुषमा स्वराज ने, जब सुषमा स्वराज जिंदा थी तो उन्होंने कंडक्ट करवाया था अफ्रीका में, तो कहीं भारतीय फंस गए हैं तो यही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ही भेजा जाता है कि आप जाओ और लेके आओ। तो एयरफोर्स हमारी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।